अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी हम आए हैं जी बोरी मॉल, और यहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। लेने तो मैं कुछ और गई थी, लेकिन एज़ यूजुअल लेके मैं कुछ और आ गई थी। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि क्रिसमस और न्यू ईयर का डेकोरेशन अभी भी यहाँ पे था। दे डिड इट अनडेकोरेटेड, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो इसके राइट अपोजिट टेरी था, मैं और फारिस वहाँ चले गए थे, और जारून और उसके डैडी जो हैं वो कुछ और देखने अपनी साइड पर चले गए थे। सो यहाँ पे बहुत ही मज़े का जो है वो होम डेकोर होता है, क्रॉकरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हर तरह की। अब तो उन्होंने कपड़े भी रखना शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी वो उनका फैब्रिक तो नहीं पसंद आया। और ये मुझे चाहिए था, ये वुडन स्टैंड जो है ना, ये मुझे किचन के लिए चाहिए था, लेकिन ना ये थोड़ा प्राइसी हो रहा था। ये विकर बास्केट्स जो हैं ये भी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ट्रेंडी हैं, लेकिन ना क्या ना इस साइड के ये मार्केट जो है कभी 1 से 2 यूरो की चीज़ें मिल जाया करती थी, और अब तो इनको भी पड़ लग गए हैं। इनको भी होश आ गई है कि नहीं, हमने भी हर चीज़ प्राइसी करनी है। सो यहाँ पे जो है मैं वो कुछ डेकोरेटिव ट्रेज देख रही थी, बहुत मज़े के थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को नहीं लग रहा था कोई। लेकिन यहाँ पे कैंडल्स बड़ी मज़े की थी। एक कैंडल जो है वो मैंने देखी थी, वो ना टेक्सचर्ड होती हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस में होती हैं, लेसेस वाली होती हैं, ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी, ये वाली ब्लैक वाली। और आई एम जस्ट रिग्रेटिंग इट नाउ कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। सो अब ये मेरे दिमाग में रहेगी तब तक जब तक मैं इसको जा कर लेके नहीं आऊँगी। सो बहुत ही मज़े की चीज़ें थी, लेकिन मैंने क्विकली मुझे जो कुछ लेना था, कुछ पैन्स एंड पॉट्स लेने थे, वो मैंने लिए थे। बहुत ही मज़े के, बहुत ये एक्चुअली रिजनेबल थे आई वुड से, और बहुत ही स्टर्डी, बहुत अच्छी क्वालिटी के। इतने मज़े के ये छोटे से क्यूट से कप हैं, ये देखने में बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत छोटे टीनी टाइनी से थे। और मुझे था कि जो चीज़ें मुझे चाहिए मुझे मिल जाए से, अदरवाइज़ भी मुझे बड़ा वो होता है। तो यहाँ पे जरून को बाहर भेजा था क्योंकि बहुत शोर कर रहा था, एंड आई वाज वेयरिंग इन अ क्यू। यहाँ पे मैंने पे किया, और उसके बाद जाना तो हमें घर था, लेकिन जरून वाज वेरी हंग्री, और मुझे था कि जाके थोड़ा टाइम लगेगा कुकिंग में। तो यहाँ से फिर हम चले गए थे द विंस का नोवा वेस, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है। पिछले व्लॉग में मैं आपको लेके गई थी देवन कैसल, एक्चुअली वहीं पे हमने जाना था क्योंकि वहाँ पे मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी किबाब शॉप है, और वही एक हलाल ऑप्शन होती है बिसाइड्स यू नो वेजिटेरियन स्टफ इन KFC, मैकडोनल्ड्स एंड ऑल दैट। सो हम प्रेफर करते हैं कि बस वही खा लें, क्योंकि वो थोड़ा जो है ना वो मज़े का भी होता है, और बहुत फिलिंग भी होता है। तो वहाँ पे और भी आसपास हलाल रेस्टोरेंट हैं, मैंने देखे हैं, सुनने में भी आए हैं, और मेरा दिल करता है मैं उन्हें विज़िट करूं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के दोस्त की शॉप है तो वो बस हर दफ़ा इधर ही घुस जाते होते हैं। सो ही वेंट इनसाइड एंड ही शॉट दिस क्लिप फॉर मी। और अभी हम आ गए हैं जी घर, और ये इतना मज़े का मैंने ये बना लिया था प्लेटर बच्चों के लिए, और साथ अपने लिए कबाब, और मेरे हस्बैंड लेके तो चले गए थे अपने रूम में, वहाँ पे वो पता नहीं कोई लाइव कर रहे थे फेसबुक पे। और यहाँ देखें फाइज साहब जो है ना अपने डैडी का फ़ोन चोरी करके लेके आए थे। उनको पता भी नहीं चलता, ये उठा लाते हैं और बस कार्टून प्ले करके तो इन्जॉय करते हैं, और इसको TV पे भी कार्टून चाहिए और फ़ोन पे भी चाहिए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी बन रहा है यहाँ पे डिनर, यहाँ पे राइस बन रहे हैं, और ये मटन की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर दे दूँगी। यहाँ पे मटन रिब्स बन रही हैं, क्योंकि मेरा आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग बिरयानी, आई डोंट नो। मुझे पता है कुछ लोग बड़े जो है ना वो ऑफेंसिव हो जाते हैं कि हमारा खाना है दिस एंड दैट, लेकिन मुझे नहीं, मेरा दिल करता। तो यहाँ पे मैंने रेजन्स और कैरेट्स भी कट कर ली हैं, और यहाँ पे मटन में जो मैं मसाला बना कर डालती होती हूँ वो ऐड कर दिया था, और रेजन्स और कैरेट्स को मैंने बटर में फ्राई कर लिया था, और मटन भी बिल्कुल रेडी हो गया है, राइस भी रेडी हो गए हैं। बहुत इजी पीजी क्विक जो है वो डिनर मैंने रेडी किया था,
और साथ सैलड और मिंट चटनी मैंने दी थी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा अगर आप न्यू हैं, अगर आपको नहीं पता मैं कैसे ये बनाती होती हूँ तो आपको नीचे लिंक मैं दे दूँगी। अदरवाइज़ जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं किस तरह से मटन बनाती होती हूँ। जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की हुई है मैं किसी और तरीके से नहीं बनाती, ये इतनी कोई इंतहा की मज़े की बनती है ना कि बस पूछे मत। और यहाँ पे भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ लोटस डिज़र्ट। यहाँ पे ले ली है हमने हैवी और या डबल क्रीम, इसमें ऐड करेंगे हम ब्राउन शुगर, आपके पास अगर वाइट है तो वो ऐड कर लें। इसको विप करेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे मास्कारपोने स्टेज पे, और अगर आपके पास मास्कारपोने नहीं है तो क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो ये ज़्यादा थी, ज़रा बड़ा वाला वो था इसका, इसकी पैकिंग तो मैंने हाफ़ लिया था। और इसमें भी जाएगा लोटस, इसमें मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून लोटस के ऐड किए थे स्प्रेड के, क्योंकि ये तो बहुत मीठा होता है। सो बी केयरफुल, आप इसको चख लें अगर आपको लग रहा है तो और ऐड कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द केक स्पॉन्जेस, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, अगर ना हो तो आप इसकी जगह लोटस बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली मिल्क में डिप करके इसकी लेयरिंग कर लूँगी इस तरह से सारी, और जो फिर हमने क्रीम बनाई है वो ऐड कर लेंगे। और इसी तरह हम जो है रिपीट करेंगे अनदर लेयर ऑफ स्पॉन्जेस एंड द फाइनल लेयर ऑफ क्रीम। सो अगर आप जो है लोटस बिस्किट यूज़ करें देन आई वुड रिकमेंड कि आप शुगर बिल्कुल ऐड ना करें, क्योंकि ये बहुत स्वीट हो जाता है फिर। और यहाँ पे मैंने लोटस स्प्रेड को मेल्ट कर लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, एज ए सेट के मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, सो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके, एक तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिन हो जाएगी, स्प्रेडेबल हो जाएगी इस तरह से, थोड़ा सा जो है वो मिल्क ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था, और इसको जो है वो हमने ओवरनाइट रखना है फ्रिज में, क्योंकि हमने नेक्स्ट मॉर्निंग खाया था। और इस तरह से बस इसके ऊपर स्वर्ल कर लेंगे स्पून के साथ, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके ऊपर मैंने जितनी भी बेरीज अवेलेबल थी, ब्लू बेरीज, रेसबेरीज, स्ट्रॉबेरी, उनको इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। और बिलीव मी इतना मज़े का था कि बस पूछे मत। फारिस को बहुत पसंद आया था माशाल्लाह से, उसने बहुत इंजॉय किया था। आई होप यू इन्जॉय टुडेज वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय बालकनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।